महाशिवरात्रि पर्व में गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से लग रहा है मंदिर में तांता, बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भक्ति भाव में डूबे। वैसे तो हिंदू धर्म में कुछ मुख्य त्यौहार होते हैं जिसमें महाशिवरात्रि का पर्व एक खास महत्व रखता है। हिंदू धर्म के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व को भगवान शिव के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पूरे देश में हिंदू धर्म के लोग इस त्यौहार के दिन बड़े ही उत्साह के साथ महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में पन्ना जिले की ग्राम पंचायत गड़ी पड़रिया में स्थित श्री श्री 108 श्री गौरीशंकर मंदिर में इस त्यौहार को मनाने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिवालयों में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं एवं युवाओं में खास उत्साह दिखा गया। इस त्यौहार के दिन लोग व्रत भी रखते हैं। पन्ना जिले में भगवान शिव के कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ का प्रताप अलग ही है, जिसमें से चौमुखनाथ गढ़ी पड़रिया गौरीशंकर मंदिर, शंकरगढ़ सिद्धनाथ, कुर्दननाथ में भगवान शिव के खास मंदिर है जिनका कुछ खास ही प्रताप है। ग्राम पंचायत गढ़ी पड़रिया में स्थित अति प्राचीन श्री श्री 108 गौरीशंकर मंदिर का निर्माण अजयगढ़ रियासत की रानी बउवाजू के द्वारा कराया गया था। ग्राम के बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर नीम का विशाल पेड़ लगा था, तो नीम के खोल से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ था। अजयगढ़ स्टेट की रानी बउवाजू के द्वारा मंदिर का निर्माण लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व कराया गया। यहाँ पर पार्वती जी की विशाल मूर्ति की स्थापना की गई थी। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि पार्वती जी की इतनी बड़ी प्रतिमा आसपास कहीं भी नहीं है। यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की बारात बड़े ही धूमधाम, बैंड बाजे एवं भोलेनाथ के जयकारों के साथ नाचते गाते हुए सारे ग्राम में निकाली गई। भक्तों द्वारा जगह जगह भगवान की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात बारात गौरीशंकर मंदिर पहुंची, जहाँ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विधिवत भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह हुआ। भक्तों ने बढ़ चढ़कर पैर पखार कर धर्म लाभ लिया। यहाँ पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव एवं माता पार्वती के दर्शन कर मेले का आनंद लिया। आसपास के दर्जनों ग्रामों के लोग पहुंचकर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं और भगवान शिव की भक्ति में ही डूब जाते हैं। देवीनगर से अशोक विश्वकर्मा की रिपोर्ट।